नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज। मैं पूजा। आम आदमी पार्टी रीवा के जिला अध्यक्ष व विधानसभा सिमरिया के पूर्व विधानसभा प्रत्याशी प्रमोद शर्मा ने जलमोहरा बांध पीड़ित किसानों के साथ इंडियन कॉफी हाउस में पत्रकार वार्ता की और बताया कि जलमोहरा बांध में पिछले 40 वर्षों से डूब से बची जमीन पर सैकड़ों गरीब किसान सिंचाई विभाग की अनुमति से खेती कर रहे थे। गरीब किसानों के पास जीवन यापन करने के लिए खेती के अलावा और कोई जरिया नहीं था। इसी का फायदा उठाकर सत्ताधारियों ने सिंचाई विभाग के द्वारा शिकायत करवाई कि जमीन में अतिक्रमण किया गया है, जबकि वो जमीन डूब की थी और शासन द्वारा अनुमति के बाद उस पर खेती की जा रही थी। आपको बता दें कि राजनीतिक प्रतिद्वंदियों के द्वारा ताना बाना बुना गया और बिना वजह वहाँ कच्ची धान पर JCB और हार्वेस्टर चलाया गया और लोगों को धमकाया गया, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया में वायरल हुआ है। श्री शर्मा ने आरोप लगाया है कि राजनीतिक विरोध के चलते किसानों की फसल नष्ट की गई है, वहीं पट्टा देने की बात को भी झूठा बताया। आइए आपको सुनाते हैं आप पार्टी के जिलाध्यक्ष प्रमोद शर्मा ने क्या कहा। वहाँ पर जो है 400 परिवार है। यदि वो लोग छोड़ने की इच्छा में ना होते, क्यों हर बार उन अनुमति से ही बोते थे, उन्होंने बोला भी सब लोगों ने कि आप हमारी फसल काट लीजिए, अपनी जमीन आप ले लीजिए। ये बार बार बाइट है, बार बार ये चल रहा है, वहाँ के लोग चिल्ला रहे हैं इस बात को। उसके बावजूद भी ये फसल बोई जाती है, वो सीजन की फसल यही नहीं है, तो गेहूं की फसल का सीजन है। तो ये पहले ही मैं बोल रहा हूँ, 40 साल जो हो रहा था धान जब बोई जा रही, पहले ये SDM साहब बहुत दिन से हैं। ये बात को मैं, आप ये चौथा बार क्वेश्चन रिपीट कर रहे हैं आप पत्रकार महोदय, चौथी बार क्यों, ये बार बार ये बोला जा रहा है, मैं बता रहा हूँ बार बार। या तो आप समझ नहीं पा रहे हैं या फिर समझना नहीं चाह रहे, दो में से एक बातें हो सकती हैं। आप बताइए। मैं समझिए बात को। जब शुरू में बुवाई की गई थी तब लोगों को मालूम था, और एक बात और जान लीजिए, उस पूरे जरमोहरे एरिए में कितनी खेती हुई है, कितना इसका रिकॉर्ड है, और लिखित रिकॉर्ड ये बात क्या है कि यहाँ पर जो इतनी धान बोई गई, इतना यहाँ पर ये उर्दा बोया गया, इस बात का लिखित रिकॉर्ड है, और जिस बात का जो है वहाँ पर प्रमाण है, आप राजस्व विभाग में देख सकते हैं। प्रमोद जी, ये कितना सही है कि दबंग लोगों द्वारा उसका पानी निकाल दिया जाता है अपने स्वार्थ के लिए, जायज बात है। वहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, इसके अलावा ये गरीब लोगों के अलावा वहाँ के मंडल अध्यक्ष, BJP के मंडल अध्यक्ष हैं, जिनके पास 10 एकड़ का पूरा कब्जा है, 38 एकड़, 10 एकड़ उन्हीं का है। वहाँ पर जयराम अग्निहोत्री जी हैं। पुष्पेंद्र सिंह, लोकेश सिंह, मैंने दिखाया आपको, वो बकायदा पैसा कटा के वो हर बार बोलते हैं, वो भूमि स्वामी रहे पुराने, उनको आवंटित किया था। मेरा पुष्पेंद्र सिंह जी से या फिर लोकेश सिंह जी से किसी प्रकार कोई बात नहीं है, मेरी बात है प्रशासन से, और जो मुख्यमंत्री खुद को कहते हैं विधायक, उनसे मेरा सवाल है कि आपने इस कृत्य को होने के बाद आपका कोई किसी प्रकार का कोई सवाल क्यों नहीं आया, इस प्रकार हरी भूमि जब फसल काटी गई आपने अफसोस क्यों नहीं जाहिर किया। इससे मनसा मेरे को आती है इस बात को कि आपके बिना कोई एक पत्ता नहीं हिलता तो यहाँ पर ऐसा कृत्य कैसे हो रहा है। ये नहीं, इसमें कोई तकलीफ किसी को नहीं है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए है क्योंकि हरी फसल काटी गई हिंदुस्तान के रिकॉर्ड में सिमरिया विधानसभा 69 पे जो है आपको जो हरी फसल काटी गई, जो कि है माँ के पेट पे भ्रूण हत्या जैसा कृत्य है, और किसान के जो पुत्र कहलाते हैं और जिनको दुख दर्द होगा फसल की, हरी फसल कट जाने के, उनको दुख है इस बात का। इसके लिए दोषी जो है वहां के विधायक हैं जिनके क्षेत्र के में ये काम हुआ, उन्होंने अफसोस तक जाहिर नहीं किया इस बात के लिए, भ्रूण हत्या के पूर्ण को जाते हैं। विधायक का फायदा ये है क्योंकि वहाँ के लोग कह रहे थे, राजनीतिक लोग हैं वहाँ के लोग, कहते हुए लगातार आरोप लगा रहे हैं, वो कह रहे थे कि हमारा ये आप मेंबरशिप लीजिए, हम मेंबरशिप नहीं लिए, इस कारण से 40 साल से हमको संरक्षण मिलता रहा था राजनीतिक लोगों का। आज जो है इनके द्वारा भी, इनके पिछले 3 साल भी हमने इनके काल में किया, तब इन्होंने नहीं किया, जब इनमें शामिल नहीं हो रहे हैं तो हमारे साथ में सारे लोगों को ये काम किया जा रहा है। ये भी वही बताएंगे, पुष्पेंद्र सिंह, लोकेश सिंह बताएंगे। नहीं, मैं उनको नुकसान कुछ नहीं, वो छोड़ रहे हैं, वो नुकसान कुछ नहीं। लोकेश सिंह का एक भी इंच कहीं टच नहीं है, एक भी इंच। जो 2.25 एकड़ की कटाई हुई है उसमें एक यादव परिवार है जिसका मैंने नाम लिखा है, और एक कोल है सोनू कोल करके, इसी की जमीन पे ये जो फट कटा है, इसके अलावा टच कहीं नहीं किए हैं। नहीं, ये तो कोई लगा, ये तो लगाई जा
रही है, मैं तो आपको कह सकता हूं कि आपको किसी के द्वारा भेजा गया है या किसी और को भेजा गया है कि आपके द्वारा कहा जा रहा है कि आपको भेजा गया है। नहीं मैं अरे मैं ऐसा बोल रहे मैं आपके मैंने बुलाया है, पर ये आरोप अगर लगा दे कोई आदमी तो बोल सकता कि आपके सवाल इसलिए आ रहे हैं क्योंकि आपको ऐसा करें। ये निराधार है, ये निराधार। आप ये एक्सेप्ट कर रहे हैं ना कि 40 साल से इंक्रोचमेंट है? ये 40 साल में 3 साल विधायक केपी त्रिपाठी का भी था और एसडीएम यही थे, पिछले 5 साल से एसडीएम यही हैं, इनके द्वारा ही होता था। लेकिन एन वक्त पे जब सामने वाला जब बोल रहे हैं वहाँ के लोग आदिवासियों ने बोला कि भैया हमको बार बार जो है सदस्यता लेने की बात कही जाती थी, जब सदस्यता हमने नहीं ली तो ये कार्रवाई इस कारण से हुई है, ये बात उनका स्टेटमेंट है। हाँ बिल्कुल, मैं पिछली बार गया था और मैं बोला था कि ये जो खेती हो रही है यहाँ पर बरगी डैम का पानी आना चाहिए, लगातार एक मुद्दा चल रहा है वहाँ पर, और ये 3 बार से 4 बार से जब भी शिवराज सिंह चौहान आते हैं बरगी डैम का बात करते हैं, पानी वहाँ तक नहीं पहुँचा, और इस बात का हम लोग चाहते हैं कि वहाँ से पूरी तरह अतिक्रमण खत्म हो, वहाँ पर किसी का कोई पट्टा रहे ना कोई खेती हो, पूरी जगह में बरगी डैम आए और वहाँ पर पानी भरे। अतिक्रमण वहाँ है ही नहीं, अतिक्रमण हटने की बात ही नहीं, आप समझिए अतिक्रमण कहाँ होता है, मेरी बात सुन। आदिवासी लोग जहाँ नहीं तहाँ कब्जा कर लेते हैं, खेती करते हैं। अरे भैया सुनिए मेरी बात, मेरी बात सुनिए। सिमरिया 69 में एक समिति बनी हुई आदिवासियों को जमीन देने की समिति, उसमें जो है बीजेपी के 13 लोग मेंबर हैं, वो जमीन जो है 84 एकड़ की जमीन है, उस 84 एकड़ में पूरी तरह से जो है यही लोग पूरे काबिज हैं, जो कि आपको सिमरिया से बरा की तरफ जब जाएंगे तो है, उसकी अतिक्रमण आज तक नहीं हटा। सहतरा तालाब जिसको विधायक केपी त्रिपाठी ने बोला था, सहतरा तालाब के जो 28 पिलर मैंने गिरवाने का आदेश कराया, आज भी फाइल वहां गिरी हुई है, लेकिन वहां रिबन काटते हैं क्योंकि सांसद से उनका जो है लास्ट टाइम जो आपको देखे होंगे जिस प्रकार से उनका वहां पर वो ये था क्रिसर में मामला आया था, उसको उन्हीं के साथ उनके साथ के परिवारवाद हैं, उसको आप वहां रिबन काटने जाते हैं जिसको आपने बोला था हम हटवाएंगे। पूरे सिमरिया के अंदर में पूरा अतिक्रमण है, कहीं पर किसी ने कोई बात नहीं की, लेकिन इस पे हरी फसल पे कटवाने पे मेरे को ऑब्जेक्शन है। फसल क्या कोई दिक्रमण की? ये धान बोई हुई थी, धान बोई। आप तो खैर वो डेट क्या जेसीबी चल रही थी, वो समय क्या था? वो डेट तो अभी फसल नहीं पकी थी, लेकिन वो डेट जो है 3 तारीख की। नहीं अभय मिश्रा तो वहाँ पर है ही नहीं, अभय मिश्रा तो है ही नहीं, राजमणि पटेल जी है ही नहीं, रामलखन शर्मा है ही नहीं वहाँ पर, वहाँ पर जो है वहाँ पर प्रमोद शर्मा है और वहाँ पर केपी त्रिपाठी है, वहाँ पर अभी जो है भूतपूर्व प्रत्याशी त्रिगुवी नारायण है, वहाँ पर जो है पंकज जी हैं। अच्छा नहीं तो वो आपको पहले आपको क्या है, जल संसाधन विभाग खरीफ की फसल के लिए परमिशन नहीं देता है, ये ऑफिशियल लेटर है उनका, वो खरीफ की फसल के लिए नहीं देते हैं ये अलॉटमेंट जो आप बता रहे हैं। बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए विराट 24 न्यूज़। नमस्कार। खुल गया आपके शहर में सर्व सुविधा युक्त स्काई रेस्टोरेंट खुल गया। वेज नॉन वेज भोजन का लुत्फ उठाने के लिए अवश्य पधारें। हमारे यहाँ स्काई स्पेशल थाली के साथ जन्मदिन, तिलक, एंगेजमेंट, रिसेप्शन के लिए हॉल उपलब्ध है। ऑनलाइन ऑर्डर के लिए संपर्क करें 9039033661 पर। पता याद रखें, स्काई रेस्टोरेंट, विश्वविद्यालय रोड, लोटस टावर, खुटे ही, रीवा।